परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या कब कब कैसे कैसे करुणा की है उसका विचार करोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं, जो करने कराने वाला परमात्मा है। और अगर आत्मचिंतन करोगे तो अपने मैं का स्वरूप पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, पर मैं स्वयं परमात्मा। दोनों में ही मैं पता चलती है ना, दोनों में मैं पिघलता है, उसमें मैं अशुद्ध पिघलता है, इसमें मैं शाश्वत प्रकट होता है। आत्मचिंतन का सुलभ समय ढूंढना चाहिए और ईश्वर की करुणा पर विचार करना चाहिए, दो चीजें। आत्मचिंतन के लिए सुलभ समय ढूंढो और भगवान की करुणा पर विचार करो। भगवान की करुणा पर विचार करने से अभिमान नहीं बढ़ेगा और आत्मचिंतन करने से दूसरे जड़ वस्तुओं की सत्यता नहीं होगी, मैं में प्रतिष्ठित होगा। आत्मचिंतन करने से मैं का स्वरूप पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, और भगवान की करुणा का विचार करने से अपने गुणों का अभिमान नहीं होगा। इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है कि आत्मचिंतन के लिए सुलभ समय ढूंढना चाहिए और भगवान की करुणा का विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या कब कब कैसे कैसे करुणा की है उसका विचार करोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं, जो करने कराने वाला परमात्मा है। और अगर आत्मचिंतन करोगे तो अपने मैं का स्वरूप पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, पर मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तो आत्मचिंतन अपनी आत्मा को खोजने का रास्ता है और भगवान की करुणा अपने अहम को मिटाने का रास्ता है। दोनों में ही मैं पता चलती है ना, दोनों में मैं पिघलता है, उसमें मैं अशुद्ध पिघलता है, इसमें मैं शाश्वत प्रकट होता है। एक में मैं जो अशुद्ध है, जैसे आप जल लाते हो, पानी लाते हो, वो पानी अगर अशुद्ध है तो उसे शुद्धिकरण करते हो, उबाल के, फिटकी डाल के या किसी और प्रकार से। कपड़ा मैला है तो उसको साबुन से अशुद्धि साफ करते हो फिर पहनते हो। तो हर चीज़ की अशुद्धि साफ होती है, पहले शुद्ध करके ही उपयोग में लिया जाता है। तो आपका जो जड़ मूढ़ और नीच अहम है, जिसे शरीर को मैं मानकर अभिमानी होते हो, उस मैं को परिशुद्ध कर अपने असली मैं को जाना आत्मचिंतन है, और अपने मूढ़ मैं को पिघालना ये भगवान की करुणा है। आज सुबह योग वशिष्ठ पढ़वाया था, उसमें एक चीज़ थी कि प्रत्येक क्षण में अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए, अपने आत्मा का अर्चन करना चाहिए और अपने आत्मा के निकट होना चाहिए। जगत का व्यवहार करते हुए भी अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए, अपने आत्मा का अर्चन करना चाहिए। तो अपनी आत्मा का अर्चन कैसे होगा? आत्मलिंग की जो पूजा करता है उसे किसी बाह्य शिवलिंग की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने आत्मदेव को पूजता है उसने सारे देवों की पूजा कर ली। आत्मदेव की पूजा कैसे होती है? अपने को चलते फिरते, व्यवहार, बात करते सुनते अपने आप को साक्षी स्वभाव में रखना कि मैं नहीं सुन रहा, मेरे कान, ये कान सुन रहे हैं। जैसे दूसरों के कान सुनते हैं, दूसरों को हम देखते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को जानें और अपने शरीर को समझें। ये आत्मा का पूजन है, आत्मा का अर्चन है, ये आत्मचिंतन है। अपने आप को विराट स्वरूप में देखें, इतने जितने भी लोग हैं वो सारा मेरा शरीर है। आँख, कान, नाक, बाल, नाखून मेरे बाल हैं। जितनों के भी नाखून और आँख, कान, नाक हैं वो मेरे बाल हैं। मेरे विचार मेरे पहरेदार हैं, मेरे प्रहरी हैं, जो मेरी आज्ञा से चलते, मेरी आज्ञा से बाहर जाते और दूसरे विचारों को मेरी सेवा में उपस्थित करते, मेरे प्रहरी हैं,
बड़ा सुंदर विवेचन सुबह योग वशिष्ठ में था। तो अपने आप को आत्मा जानना ही आत्मदेव की पूजा है, कोई और देवता उत्पन्न नहीं हुआ, स्वयं को आत्मा जानना ही आत्मदेव की पूजा है। है ना बात, माल की है, पक्का माल है, एकदम प्योर, बिना किसी अशुद्धि के। तो आत्मचिंतन का सुलभ समय ढूंढना चाहिए और भगवान की करुणा पर विचार करना चाहिए। हम भगवान कह दें, गुरु कह दें, गुरु की भी अनंत अनंत करुणाएं शिष्यों पर होती है। गुरु की करुणा पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या थे, हम तो कुछ थे ही नहीं, आज जो कुछ भी हैं तो उनकी करुणा है, तो उसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं, अभिमान नहीं आएगा। और अगर आत्मचिंतन करेंगे तो अपना असली मैं प्रकट होगा। अशुद्ध मैं को परिशुद्ध करना चाहिए और असली मैं को निखारना चाहिए। ये दो लाभ होते हैं, आत्मचिंतन का सुलभ समय ढूंढो और भगवान की करुणा पर विचार करो, बाकी तो ठीक है, पाया ना पाया जैसा है, हासिल किया ना हासिल किया जैसा है, कहीं गंतव्य पर पहुंचे न पहुंचे जैसा है, सब कुछ जीरो है। इसके बिना आत्मा का एक नहीं लगा है, सब शून्य, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मोटा कोई पतला, कोई दुबला कोई ऊंचा कोई नीचा, शून्य ही पड़ा है। अपने आत्मदेव का पूजन करो, अपने आत्मदेव का अर्चन करो, अपने आत्मा की उपासना करो। जिसने अपने आत्मा की उपासना कर ली उसने समस्त देवों का पूजन कर लिया, जिसने आत्मलिंग की उपासना की उसे शिवलिंग की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। सुबह योग वशिष्ठ में लिखा था, समस्त देवता मेरी अर्चना करते हैं, सारी शक्तियां मिलकर मेरी वंदना करती है, मुझ आत्मदेव के सूर्य और चंद्र आंखों के तारे, मुझसे उनको ज्योति प्रकाशित होती है, मैं वो आत्मा। ऐसा चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसे चिंतन में जितना भी समय आपका गया वो आपका समय अन्य विचार, अन्य व्यवहार, अन्य कर्म घंटों कर लो और आत्मविचार कुछ पल कर लो तो भी उस पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए आत्मचिंतन का सुलभ समय ढूंढना चाहिए और भगवान की करुणा पर विचार करना चाहिए। भगवान की करुणा पर विचार करने से अशुद्ध अहम पिघलता है, अभिमान नष्ट होता है, और आत्मचिंतन करने से असली मैं प्रकट हो